जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया। बस दोस्तों सिलेक्शन हो चुका अपना और निकलेंगे अब घर को। ये क्या लेग पीस नंबर 2। तो दोस्तों घर की चटनी बनाई हुई और इतना गजब हो रहा ना ये चॉप्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जा रहे हैं साइट, मौसम है मस्त, जिम नहीं गया सुबह आज भी, आज शाम को जाऊंगा टाइम लगा तो चलो देखते हैं। और बारिश शुरू हो गई है, थोड़ा लग रहा है अच्छी होएगी क्योंकि बूंदे पड़ने लग गई, अभी आवाज़ आने लग गई गाड़ी के ऊपर, होनी चाहिए यार, बहुत दिन हो गए अभी बारिश हुए हुए। शाम को ना, शाम को अपना बारबेक्यू भी है, आज बारबेक्यू करना है मौका लगा तो। कल शिवांशु का वेट कर रहा था, शिवांशु आया नहीं क्योंकि उसने सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी उसकी, उसको टाइम नहीं लगना था मुझे मालूम है, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं किया। और आज करेंगे बारबेक्यू, देखते हैं किसको बुला, अकेला करता हूँ नहीं तो किसी दोस्त को बुलाएंगे। दोस्तों साइट में आ गया था नागराजू भाई और मैं, नागराजू भाई यहीं है और क्या कर रहे हैं काम, पैकिंग कोटिंग प्लास्टिंग चल रहा है। हाँ अभी देख नहीं रहा, अभी कर्रे लगे हो ना, कर्रे निकल जाएंगे तब लॉर सॉलिड लग गया एलिवेशन। दोस्तों साइट से निकल रहे हैं, घर चलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। और दोस्तों हम जा रहे हैं अभी प्लांट्स लेने, पिछली बार नागराजू भाई और मैं जा रहे हैं, पिछली बार हमने लिया था उससे साईं से, मगर वो कर नहीं पाया काम, ढंग से हुआ नहीं बोले तो प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं कर पाया वो, और डिले कर रहा था बहुत। तो हमने सोचा अपने पुराने वाले आदमी से ही करेंगे, पुराना वाला भी थोड़ा लेट करता है मगर ठीक है, हमारे हिसाब से काम कर देता है। तो चलो आगे प्लांट्स जब सेलेक्ट करेंगे तब मिलते हैं। और आज शुरू हुई थोड़ी बारिश दोस्तों, आज हुई थोड़ी बारिश, मस्त हो रही है अभी, बहुत दिनों से तड़प रहे थे हम, 3 दिन है अब, 3 दिन बारिश है। अच्छा वेदर फोरकास्ट है यार कि 3-4 दिन बारिश लगातार है। चलो दोस्तों आगे हम नर्सरी में सिलेक्शन करेंगे। बस दोस्तों सिलेक्शन हो चुका अपना और चलो दोस्तों साइट में मिलते हैं। तो देखने आए थे दोस्तों, बारिश में कुछ काम खराब तो नहीं हुआ, प्लास्टिंग तो सही है, सब बढ़िया है, कोई खराब नहीं हुआ, काम सब बढ़िया है, इस तरफ बारिश भी नहीं गिरी। दोस्तों घर आया था और बारबेक्यू की प्लानिंग चल रही है, और ये है दोस्तों अपना बारबेक्यू, इसको खोलेंगे। ये है दोस्तों अपना बारबेक्यू। तो दोस्तों ये फायर स्टार्टर लिया था मैंने, ये फायर स्टार्टर लिया था और अब इसमें से 2 पीस ले लिए मैंने, और इससे जलाएंगे कोयला चिमनी में डाल के, दिखाता हूँ चलिए आपको। और ये है दोस्तों अपना बर्नर, बर्नर में लगा देंगे इसको नीचे वैसे, और इसको रख देंगे इसके ऊपर, बस अब ये जलता रहेगा और आधे घंटे में आग रेडी हो जाएगी। तो चलो हम चलते हैं नीचे और बारबेक्यू वाला सामान पूरा बाहर निकालते हैं और उसको करते हैं रेडी। और घर की हरी चटनी पीस दी दोस्तों, और ये देखो यार, ये देख रहे हैं आप चॉप्स, क्या पीस मांस है इसमें, देखो ऐसे रहने हैं बारबेक्यू के लिए, जिनमें मांस हो, और सबसे सॉफ्ट मांस रहता है, सबसे ज़्यादा टेंडर है, सबसे ज़्यादा टेंडर मीट है रिब्स का। और ये अपनी फिश को बारबेक्यू करेंगे, और 3-4 वही लेमन गार्लिक ड्रमस्टिक्स, और ये भी कुछ तो है, ये सब करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे बस थोड़ा सा, और कोई नहीं है, बस पूनम मैं और मिली हैं, हम तीनों कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, बाहर चलते हैं। दोस्तों कोयला रेडी हो चुका है, ये देखो सही जल रहा ना, इससे बच के रहना भाई, आँखों में लगता है। तो चलो इसको अंदर डालेंगे अब बारबेक्यू ग्रिल के, वो ग्रिल अपनी रेडी है,
तो करेंगे उसके बाद बारबेक्यू स्टार्ट। तो दोस्तों अपनी ग्रिल रेडी है, कोयला रेडी है, और देख लो भाई क्या क्या सामान चाहिए। एक ये टोंग, ये चाहिए पकड़ने के लिए, क्या कहते हैं इसे, टोंग। और ये चाहिए लगाने के लिए मक्खन या घी, तेल जो भी, एक नाइफ, थोड़ा सा नमक, और ये ज़रूर चाहिए पकड़ने के लिए, भाई बहुत गर्म रहता है। चलो फिर करते हैं, कोयला डालेंगे। ये रेडी है यूज़ करने के लिए दोस्तों। चलो इसके ऊपर रखेंगे अपनी ग्रिल और करेंगे बारबेक्यू शुरू। और मेरे साथ है मिली। ओ बारिश हो रही है? नहीं नहीं, बारिश खत्म हो चुकी है, बहुत हल्की हो रही है। ओ थोड़ी बहुत बूंदे गिरती रहेंगी। और दोस्तों डालेंगे मिली के लिए एक लेग पीस। मैं आ रही हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये गया लेग पीस एक, ये गया लेग पीस नंबर टू। बहुत हीट हो रही है, बहुत ज्यादा हीट है। फिश थोड़ी देर में डालेंगे यार, फिश डालने से जल जाएगी। इसको पलट देंगे दोस्तों एक बारी। सेटअप देख लो दोस्तों अपना लाइटिंग का, हर पिलर में लाइट लगा। और कभी ऐसा पार्टी पार्टी होती है तो हम लोग दोस्त लोग बैठ जाते हैं। दोस्तों बारिश आ रही थी तो हम अपना सेटअप अंदर ले आए, और यहाँ लाइटिंग अच्छी है। अब हम चिकन डाला था मगर जब तक बारिश आ गई, आज एक्चुअली इसलिए लाया था मैं टेस्टिंग के लिए, टेस्ट करेंगे, नहीं तो मैरिनेशन में ही करता हूँ। तो ये टेस्टिंग के लिए था कि कैसा बनता है आज ये, इसका टेस्ट सब ओके बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम से यही लेंगे, वरना अपने आप तो हमें आते ही है। दोस्तों थोड़ा लगाएंगे मक्खन। तो दोस्तों अपने चिकन लेग पीस रेडी है। दोस्तों घर की चटनी बनाई हुई, और इतना गजब हो रहा ना ये चॉप्स, मक्खन की तरह हो रहा, मक्खन की तरह। देखो हाथ से तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत सॉलिड। जब भी कभी आप बारबेक्यू कर रहे हो ना, चॉप्स लेना, ज़्यादा पोर्शन चॉप्स लेना, जल्दी पक जाता है और टेस्टी भी बहुत, बहुत टेस्ट है। कुछ नहीं करना, सिर्फ नमक लगाया इसमें, ना हल्दी ना मसाले कुछ नहीं। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है मछली डालने का, फिश डालेंगे, थोड़ी आग कम होगी ना, स्टार्टिंग में डाले तो जल जाती है। और ये गई अपनी फिश, और फिश हो गया लग रहा। तो हो क्या गजब लग रही फिश यार। दोस्तों फिश लाए थे हम, और बहुत सॉलिड टेस्ट हो रहा, तिलिपिया तिलिपिया फिश है, और बड़ी जल्दी पक गई, 10 मिनट में पक गई। ये मटन चिकन को तो टाइम भी लग रहा, मगर इसको 10 मिनट में पक गई है। तो चलो फिर हम इसे करते हैं एंजॉय, और मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर।